एक बहुत बड़ा ज़ेन मास्टर हुआ जिसका नाम था सुइची। सुइची तोफुफु मंदिर में अपने शिष्य को ध्यान पढ़ाते थे, और इस मंदिर में न कभी कोई शास्त्र पढ़े थे, न कभी कोई सूत्र पढ़े थे। वहाँ तो सिर्फ एक ही प्रक्रिया हो रही थी, और वो प्रक्रिया थी मौन बैठना, शांत बैठना और ध्यान करना। फिर दिन गए, रात गई, रोज रोज वहाँ पर काफी सन्यासी भिक्षु वहाँ पर इकट्ठा हो गए, लेकिन कभी किसी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कभी किसी ने कोई वहाँ पर शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। सिर्फ एक ही वहाँ पर क्रिया होती थी, ज़ेन मास्टर सोईची उनको ध्यान की प्रक्रिया ही पढ़ाते थे। सिर्फ मौन बैठना और खुद में जो रूपांतरण हो रहा है उसको जानना। फिर दिन रात यह सब चलते गए, वर्ष और 2 महीने चलते गए। फिर लोग भी उस पवित्र तोफुफु, इस विहार को, इस मंदिर को, इस मठ को भूल गए। बड़ी शांतता, बड़ी मौनता, बड़ा आनंद उस विहार में था। लेकिन एक दिन अचानक से उस विहार से शास्त्र की, मंत्र की, घंटियों की बहुत सारी आवाज वहां से आने लगी। गांव के लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उस मंदिर की ओर जाके देखा, उस विहार की ओर जाके देखा, तभी उनको पता चला कि ज़ेन मास्टर सोईची मर चुके थे, उनका देहांत, उनका निर्वाण हो चुका था। तभी उनके पास उनके शिष्य और लोग वहां पर घंटिया और सूत्र का पाठ, शास्त्र का पाठ कर रहे थे। लोगों ने बड़ा आश्चर्य व्यतीत किया कि इस मंदिर से कभी कोई आवाज नहीं आई, और आज ये गुजर गए तो ये आवाजें आ रही है, और ये आवाजें एक अलग सा परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन सोई जी की जो शिक्षा थी, वह शिक्षा यही थी कि मौन रह के ध्यान करना, शांतता से अपने जीवन में अमूल्य रूपांतरण करना। वो बात वैसी की वैसी रह गई, और लोग अलग चीज़ों में उलझ गए, और अलग चीज़ों में उलझ के लोग अपना जो खुद का जो मार्ग थे वो भूल गए। ऐसा ही होता है जीवन में, जो सही दिशा है उस सही दिशा की ओर जाने के लिए हम जो भी अपनी जो शिक्षा है उस शिक्षा को सही ढंग से विकसित कर सके, और ज़ेन मास्टर सोईच ने वह की थी। लेकिन वो गुजरने के बाद उनके शिष्यों ने भी अगर वही चीज़ की होती तो उनको असल में जो समाधि जो है वो समाधि का ही समर्पण, समाधि की एक प्रकार से आदंजलि मिल जाती। लेकिन वैसा नहीं हुआ, और लोग अलग दुनिया में उलझ गए। लोग शास्त्र और लोग सूत्र में उलझ गए, और असली जो बात है, जो सारे जीवन का, जो सारे सभी धार्मिक अवस्था का, वो लुप्त हो गए। इसलिए इस कथा से हमें ये बोध लेना है कि जीवन का जो असली सार है, उस सार को, उस इसेंस को जानना और सही तरीके से अपने आप में उसका विकास करना, यही एकमात्र समाधि की अवस्था, जो कि असल में प्रार्थना या वंदना, जो कि असल में एक समर्पण बन सकती है।